हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग चिरंजीवी सर का ट्रेलर जो कि 2 घंटा पहले आया था, तो उसके ऊपर आज हम दो घंटा कुछ मिनट्स हुआ होगा। हाँ, तो उसके ऊपर आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। और उस मूवी का नाम है आचार्य, और ये मूवी 2021 को रिलीज होने वाला है। और इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? सो इस मूवी का डायरेक्टर है कोरतला शिवा, एंड ये मूवी मतलब प्रोड्यूस जिन्होंने किया उनका नाम है रामचरण। एंड इस मूवी का मतलब रामचरण सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर, एक्चुअली में हम लोग ज्यादातर वीडियो में प्रोड्यूसर का नाम लेते नहीं है, तो इसमें रामचरण सर, इसलिए नाम हम लोग ने ले लिया। और जो म्यूजिक डायरेक्टर वो है मनीष शर्मा, जिनका हम लोगों ने बहुत सारा मूवी पे मतलब सॉन्ग्स पे रिएक्ट किया है, और बहुत अच्छा होता है। हाँ, और जो बजट है वो है 140 करोड़। तो देखते है की मूवी कैसा होता है, और मूवी एक हिस्टोरिक ड्रामा होने वाला है। तो तुम्हारा क्या कहना है इस पे? सो मेरा तो मतलब मैं हर वीडियो में यही बोलूंगी, जो जो नए वीडियोस आ रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें नए नए वीडियोस मिल रहे हैं। सो बहुत अच्छा भी लग रहा है, सो वेरी एक्साइटेड। अभी जल्दी से करते, वैसे भी 2 घंटा लेट है, मैं और लेट नहीं करना चाहती, जल्दी से पहले ट्रेलर देखते। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले जो इन मूवी के कास्ट है उनका नाम हम बता देते हैं। सो इस मूवी के कास्ट कौन कौन है? सो गाइस, इस मूवी का जो कास्ट है वो है चिरंजीवी सर जो की लीड है, उसके बाद है काजल अग्रवाल, उसके बाद है पूजा हेगड़े, और है सोनू सूद, और सर का छोटा सा एक रोल दिखाया गया, रोल होने वाला है मूवी में, ऐसा बोला गया। वो जो रोल होगा, मेरे हिसाब से वो रोल सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि मूवी में कुछ टर्निंग पॉइंट ला सकता है, क्योंकि रामचंद्र सर और चिरंजीवी सर एक साथ तो किसको नहीं पसंद है। सो इस मूवी में 2 एक्ट्रेस दिखाया गया है, एंड सोनू सूद सर का भी बहुत बड़ा शायद रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 लीड दिया गया है। सो देखते हैं कैसा होगा, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर न्यू फिल्म। सो स्टार्ट करते हैं। ఇతరుల కోసం జీవించేవారు దైవంతో సమానం. అలాంటి వారి జీవితాలే ప్రమాదంలో పడితే ఆ దైవమే వచ్చి కాపాడాల్సిన పని లేదు. ये अमेजिंग था सच में। పాఠాలు చెప్పే అలవాటు లేకపోయినా అందరూ ఎందుకు ఆచార్య అంటుంటారు, బహుశా పాఠాలు చెప్తానని. ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య ఆసమ్. गाइस, हम लोगों ने पूरा टीजर प्रिया कर लिया है, और हम लोगों ने पहली बार गलती कर दिया था, मतलब फर्स्ट हाफ में, कि हम लोगों ने टीजर को ट्रेलर बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी, ये टीजर है, टीजर था। तो गाइस, जो टीजर का विजुअल्स था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं एक एक जो सिनेमाटोग्राफी था, मतलब जिन्होंने ये सब सेट किया है ना, एक पूरा सेट को, एक कलर, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो आँख में इतना मतलब ब्यूटीफुली मतलब वहां पे झलक रहा था, तुमको कैसा लगा, तुम बोलो। जो मुझे सबसे मेन पार्ट एंड सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब, बहुत ऐसा होता है ना कि वो पार्ट आपको अच्छा लग जाता है पूरे सीन में, वो था जैसे दुर्गा माँ सबको मारती है, जैसे असुर को मारती है तलवार से, मतलब तलवार बोल रही हूँ, जो उसका त्रिशूल होता है। सो उस जगह पे चिरंजीवी सर ने जैसा रोल प्ले किया था, मतलब उनको इतना अच्छा दिख रहा था, क्योंकि पीछे पूरा दुर्गा माँ का मूर्ति लगा हुआ था, सामने वो वध कर रहे थे, और रेड कलर का जो होली का रंग है उस टाइप का, वो बहुत ही अच्छा है कि दुश्मन को वुमन हो या मैन हो, सब मार सकते हैं, सबके अंदर एक भगवान होता है, अगर वो चाहे तो दुनिया का जो बुराई है उसको मिटा सकते हैं, अगर वो चाहे तो। यहाँ पर वही एक रोल हमें देखने को मिला कि सेवियर, हाँ, बुराई का तरफ वो एक मतलब लड़ाई करने जा रहे हैं। उनका नाम आचार्य है, तो आचार्य इसलिए है क्योंकि वो लोगों को लेसन देते हैं, तो इस टाइप का कुछ इस ट्रेलर में देखने तुमने वो देखा, जो जूम आउट किया था, जो एक व्यू लिया था पहले, वो कितना सुंदर था, वो एकदम फर्स्ट में जो दिखा रहा इंट्रो, बहुत सुंदर था। और जो ऐसा था ना कि वो पानी का, जब चिरंजीवी सर ने एकदम पैर रख के, वाओ, मतलब कितने छोटे छोटे, वो भी रेड कलर का ही पानी था, तो पूरे छोटे छोटे चीज के ऊपर बहुत ही सुंदर से काम किया गया है, बहुत अच्छा लगा ये टीजर। पर यही टीजर, टीजर छोटा था लेकिन एक आंखों के लिए ट्रीट था, मतलब सच में इतना अच्छा लग रहा था। चिरंजीवी सर का एंट्री बहुत दिनों, जो सही नरसिम्हा रेड्डी था उसके बाद शायद ये मूवी है, शायद मेरे को पता नहीं उतना श्योर, लेकिन मैंने लास्ट सही नरसिम्हा रेड्डी किया था, उसके ऊपर रिएक्ट किया था। चिरंजीवी सर जो है वो अपने आंखों से इतना कुछ कर देते हैं ना,
कि उनको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता, कि इसलिए उनका फर्स्ट जो सीन था उसका आईज के ऊपर था, क्योंकि वो आईज से इतना मैजिक कर देते हैं कि वही काफी होता है कि वो फीलिंग सब सब एक्सप्रेस कर देते, उनको अपना वॉइस नहीं बोलना पड़ता है हमें कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। जो वो लाल कलर का कपड़ा हटा के बस उनका आईज ना, ओ माई गॉड, मतलब सुपर था। लेकिन रामचरण सर का एंट्री मिस किया, क्योंकि इस टीजर में रामचरण सर भी नहीं थे और दो एक्ट्रेस जो थे उनको भी नहीं था, तो रामचरण सर का एंट्री शायद ट्रेलर में देखने को थोड़ा सा मिलेगा। सोनू सूद सर को भी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होता है, क्योंकि टीजर तो बहुत धमाकेदार था, एक्सपेक्टेशन अब बहुत हाई हो चुका है। अभी तो डाउन नहीं हो सकता, अच्छे फिल्म आ रहे हैं ना, ओ माई गॉड गाइस, हमारे साथ रहना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। हाँ गाइस, आपको कैसा लगा, आपको कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगा, सबसे बेस्ट लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।